नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, amazon.in पर इस समय चल रहा है भारी डिस्काउंट। और चाहे स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट हो या फिर हो कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर एनी अदर प्रोडक्ट्स, कुछ भी ले लो, आप सभी के ऊपर अभी चल रहा है डिस्काउंट। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बेहतरीन डील इसके ऊपर अभी जो चल रही है, जो मुझे काफ़ी पसंद आई है। इस समय चल रही है एक्टिविटी बैंड्स के ऊपर बहुत ही भारी डिस्काउंट और गज़ब के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 449 रुपये में आपको एक M3 इंटेलिजेंस ब्लूटूथ विद हेल्थ एक्टिविटी ट्रैकर मिल जाता है और 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक की रिप्लेसमेंट वारंटी है ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके डिटेल्स में जाकर कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 2 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपको इस पर मिलने वाला है और आप इसमें अपनी कॉल को रिसीव या डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्लीप मॉनिटर, कलर वर्न, रिजेक्टिंग कॉल, अलार्म, ब्लड प्रेशर और USB चार्जिंग सपोर्ट, स्मार्टफोन्स एंड सबसे बड़ी बात, आप इसको अपने एंड्रॉयड एंड iOS यानी कि एप्पल आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं इसके ऊपर। और आपको मोबाइल में होने वाली तमाम एक्टिविटी जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव होना या और अदर्स एक्टिविटी हैं वो आप इस पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डील हो सकती है आपके लिए 499 रुपीज़ में। सो गाइज, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर amazon.in से इसको परचेज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करिए और देख लीजिए। सो गाइज, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। भारतीय ऑलराउंडर पांड्या ने कॉफ़ी विद करण में महिलाओं पर विवादित टिप्पणी के बाद माफ़ी मांगी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के प्रशंसकों की समिति ने हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हार्दिक ने अपने जवाब में कहा, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, सो मैं उनके साथ राहुल भी मौजूद थे। COA ने दोनों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था। BCCI इस तरह के शो में क्रिकेटर्स के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है। हार्दिक ने कहा, मैं एक चैट शो पर गया था, मैंने कुछ टिप्पणियां की और इस दौरान मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। मैं तहे दिल से इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यह मैंने दुर्भावना के चलते या समाज में किसी खास वर्ग को बुरा दिखाने के लिए नहीं किया है। शो में पांड्या ने महिला विरोधी टिप्पणियाँ की थीं जिन्हें लेकर वे सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो रहे थे। हालांकि इसके बाद 25 साल के पांड्या ने ट्वीट कर माफ़ी भी मांगी थी। पांड्या ने शो के दौरान कई महिलाओं के साथ संबंध होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि वे अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, यहां तक कि वे उन्हें अपनी वर्जिनिटी खोने वाली बात भी बता चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे क्लब में किसी महिला का नाम क्यों नहीं पूछते तो पांड्या ने जवाब दिया, मुझे उन्हें देखना पसंद है, मैं यह देखना चाहता हूं कि वे किस तरह चलती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर पांड्या की आलोचना होने लगी। इस पर पांड्या ने ट्वीट कर साफ किया कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था। उन्होंने ट्वीट किया, कॉफ़ी विद करण में मेरी टिप्पणी के बाद प्रतिक्रियाएं आईं, मेरे बयान से जिनकी भी भावनाएँ आहत हुई हैं मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, ईमानदारी से मैं शो के नेचर के मुताबिक उसमें ज़्यादा खो गया, मेरा मतलब किसी भावनाओं का अपमान करना या उन्हें आहत करना नहीं था। BCCI ने शो में की गई पांड्या की टिप्पणियों को मूर्खतापूर्ण और शर्मिंदगी भरा बताया, साथ ही चेतावनी भी दी। COA प्रमुख विनोद रॉय ने बताया, हमने हार्दिक पांड्या और KL राहुल को उनकी टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्रिकेट की तमाम नई पुरानी जानकारियों के लिए जुड़े रहें क्रिक आकाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।